आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, जिसको कि आम भाषा में शुगर का रोग भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे कि शुगर कितने प्रकार की होती है और खून में अगर शुगर की मात्रा कितने से ज्यादा हो जाए जिसको कि हम शुगर कहेंगे, और इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, और ये बीमारी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज की जो बीमारी है वो क्यों होती है। हमारी शरीर में इंसुलिन बनती है जिससे कि हमारे जो शरीर में जो शुगर है वो कंट्रोल होती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए उससे शुगर हो जाती है, जिससे कि डायबिटीज बोलते हैं। और ये दो टाइप की होती है, टाइप वन डायबिटीज होती है, उसमें इंसुलिन की बहुत ही कमी होती है जिससे कि शरीर में इंसुलिन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, और हमारे शरीर में इंसुलिन ना होने की वजह से शुगर की मात्रा बहुत ही हाई होती है। ये उन मरीजों में होती है जिनकी उम्र कम होती है, तो दुबले पतले होते हैं, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नेगेटिव होती है, यानी कि उनकी फैमिली में शुगर उनके पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर नहीं होती है। दूसरी जो शुगर होती है टाइप टू जिसको बोलते हैं, जिसमें कि इंसुलिन की कमी होती है, लेकिन उसमें इंसुलिन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसमें हर मरीज को इंसुलिन देनी पड़े। बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसमें कि टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर किसी मरीज की बहुत ही ज़्यादा हाई शुगर है, ओरल मेडिकेशंस पे लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगी, और कोई उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है शुगर से रिलेटेड, तो उस केस में उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है। अदरवाइज टाइप टू डायबिटीज के पेशेंट्स का काम बिना इंसुलिन के चल सकता है। अब बात करते हैं हम कि जो शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर में हर अंग को इफेक्ट करती है, चाहे वो हमारी आईज हैं, किडनी हैं, चाहे वो हमारी नसें हैं या हमारा हर्ट है, हर ऑर्गन को वो इफेक्ट करती है। जैसे कि हम बात करें अपनी आईज की, तो लंबे टाइम तक अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उनको रोशनी में दिक्कत आ जाती है, और रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात करते हैं नेफ्रोपैथी की, जिसमें कि शुगर के मरीज अगर लंबे टाइम तक अनकंट्रोल्ड अगर किसी की शुगर रहती है तो ऐसे पेशेंट्स में किडनी की बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं। तीसरी बात करते हैं न्यूरोपैथी की, जिसमें कि लंबे टाइम तक अगर पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल रहती है तो धीरे धीरे ऐसे पेशेंट्स में जो हमारी नसें हैं उनमें सूनापन आना शुरू हो जाता है और पेन भी करती हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकते हैं, जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं इनमें हार्ट अटैक के चांसेस नॉर्मल पेशेंट्स की कंपेरिजन ज़्यादा होते हैं, और बाकी भी कहीं भी कोई भी अंग में वेस्कुलर प्रॉब्लम जो भी है ना, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिसका कोई बचाव नहीं है। वो जिन भी लोगों में होती है उसमें कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो किसी ऐसे कारण से होती है जिसमें कि शरीर में जो ऑटोइम्यूनिटी होती है उसकी वजह से जो हमारी अंदर की जो इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको हम दोबारा से नहीं ठीक कर सकते। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में हम शुगर को आने से भी रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते तो उसको डिले कर सकते हैं। टाइप 2 के जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें टाइप 2 शुगर है, ऐसे पेशेंट्स में हम रोकथाम कर सकते हैं या उसको होने से बचाया जा सकता है या उसको डिले कर सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट स्टार्टिंग से अपना खाने पीने का और फिजिकल एक्टिविटी का अगर ध्यान रखें तो ऐसे पेशेंट्स अपने शुगर होने से बचा सकते हैं या फिर उसको डिले कर सकते हैं। तो टाइप 2 जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बॉडी में इंसुलिन बनता है लेकिन उतना पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता जो कि उनकी शुगर को पूरा तरीके से कंट्रोल कर सके, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर वो ओवरवेट हैं तो उनको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स की अगर इनटेक ज़्यादा है, अगर वो बहुत ही हैवी मील लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को अपना मील कम करने की ज़रूरत है और अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और कैलरी कट करने की ज़रूरत है। तो टाइप 2 एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पेशेंट्स उनको होने से बचा सकता है, और अगर हो जाती है तो उसमें अगर पेशेंट पूरा कंप्लायंस अगर अच्छी है खाने पीने का और उसकी अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन कम से कम मेडिसिन पे काम चल सकता है और उनकी मेडिसिन बंद भी हो सकती है। अगर कोई भी टाइप का पेशेंट अगर
लंबे टाइम तक अपना खाने पीने का रूटीन डेली एक्टिविटीज ठीक से नहीं करते तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर बढ़ती जाती है और हो सकता है कि ऐसे पेशेंट को एक टाइम पे इंसुलिन की जरूरत पड़े। अगर किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही उसका ध्यान रखें खाने पीने का डेली एक्टिविटीज का, ताकि आप उस फेज में ना जाएं जहाँ की आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहे। इसके अलावा मैं ये बात करूंगा कि अगर किसी को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में से कोई नहीं है तो उन पेशेंट्स में कुछ रेयर टाइप की डायबिटीज होती है जिसमें कि लाडा होती है, FCPD जिसको बोलते हैं, या फिर एक मोडी होती है। इन डायबिटीज में से कोई है तो उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अर्ली रहती है, तो अगर टाइम पे ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाए तो शुगर से जो होने वाले नुकसान है उनसे बचाया जा सकता है। सबसे एक मेन अहम बात जो मैं इसमें करूँगा कि आम पब्लिक में एक धारणा है कि अगर किसी भी पेशेंट की इंसुलिन स्टार्ट हो गई तो उस पेशेंट को उसकी आदत पड़ जाती है और उसका काम बगैर इंसुलिन नहीं चलता है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा आई है, HbA1c बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर डॉक्टर एडवाइज करता है कि आप इंसुलिन स्टार्ट कर दो तो उनको इसमें सोचना नहीं चाहिए और डॉक्टर की सलाह मान के इंसुलिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अपनी खाने पीने का अपना रूटीन, अपना डेली फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छे से रखते हैं और टाइम पे दवाई लेते हैं, टाइम पे इंसुलिन लगाते हैं, तो चांसेस है कि आपकी इंसुलिन बंद हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी शुगर अनकंट्रोल है तो अगर डॉक्टर किसी वजह से आपको इंसुलिन एडवाइज करते हैं तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इंसुलिन की आपको आदत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी में सेल जो भी इंसुलिन बनाते हैं अगर उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है तो आपकी इंसुलिन बंद हो सकती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको आपका काम फ्यूचर में बिना इंसुलिन के चल सकता है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पेशेंट को शुगर है तो ऐसे मरीज पॉजिटिव हॉस्पिटल में डेली 10 से लेकर 5 बजे तक डेली OPD होती है, किसी टाइम भी आकर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।